ये देखें, ये आमों आमों को बचाने के लिए, ताकि ये टूटे ना और ये खराब ना हो। ये देखें, ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर रशीद और आप देख रहे हैं विलेज नेचुरल चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं आमों की तुड़ाई कैसे करते हैं। जी हां व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मज़दूर लोग आमों की मौसम में आमों की तुड़ाई कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पर नीचे बहुत सारे आम गिरे हुए हैं और ये इन्होंने आमों की तुड़ाई की है। अभी आपको आगे भी दिखाते हैं, बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही घना बाग है आमों का, इस वजह से यहाँ पर आपको अंधेरा भी नज़र आएगा थोड़ा बहुत। ये देखें व्यूअर्स, ये मज़दूर बैठे हुए हैं और ये आम नीचे, ये ऊपर इन्होंने आम की तुड़ाई कर ली है। ये इससे फिर आगे आम की तुड़ाई कर रहे हैं। चले व्यूअर्स, आपको आगे दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मौसमी चौंसा आम है। अब ये मौसमी चौंसे की तुड़ाई कर रहे हैं, फिर ये इन्हें पैकिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको पैकिंग की भी वीडियो दिखाएंगे। ये यहाँ पर इसे बीमारी लग चुकी है, ये जो मक्खी होती है ना पीले कलर की, ये उस वजह से ख़राब हो गया है। ये मौसमी चौंसा आम है, काफ़ी ज़्यादा पैदावार है इसकी माशाल्लाह, और पाकिस्तान से ये बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। तकरीबन 150 वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनमें से ये एक मौसमी चौंसा भी है। और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा आम होता है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, यहाँ पर भी पड़े हैं। ये देखें, अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये व्यूअर्स, इन्होंने ये रखा हुआ है, इससे जो आम गिरते हैं ये टूटते नहीं हैं और इससे आमों की हिफाजत हो जाती है। जैसा कि ये देख रहे हैं इधर, ये देखें, ये आमों को बचाने के लिए, ताकि ये टूटे ना और ये ख़राब ना हो। ये देखें इधर भी, ये ऊपर चढ़े हुए हैं तीन चार बंदे। ये देखें, इनके पास ये बहुत बड़ा कुंडा होता है, लाकड़ा होता है, जिससे ये आमों की तुड़ाई करते हैं। इसके ऊपर से एक जाला लगा होता है जिसमें आम फंस जाते हैं और उससे ये नीचे आराम से नीचे गिरा देते हैं। ये देखें, और
ये मौसमी चौंस आम है वीवर्स, और इसकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह पैदावार भी होती है, खूबसूरत होता है। इसके अलावा इसका जायका भी अच्छा होता है, जूस भी बनता है इसका, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये देखो, ये भाई हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, ये देखो। यहाँ पर काफी ज्यादा आम गिरा हुआ है व्यूअर्स, आम पर चढ़ना वैसे काफी मुश्किल होता है, लेकिन मजदूरों को चढ़ना पड़ता है ऊपर। मैं एक जगह पर एक बड़ी टहनी के नीचे ठहरा हूँ ताकि मुझे कोई आम ना लग जाए। ये भी पड़े हैं, इसके बाद इनकी पैकिंग की जाएगी। हम आपको इनकी पैकिंग का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये देखेंगे, ये देखें, हम आपको दिखाते हैं एक काम। ये मौसमी चौंसा, ये देखें, ये देखें, इसकी ये इधर से पानी निकलता है जो कि, ये देखें, ये वाला पानी अगर जिस्म को लग जाए तो ये दाग बना देता है, निशान लगा देता है, इससे दाग बन जाता है, इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। ये नरम जिल्द पर कुछ नहीं करता, लेकिन ये जैसे सख्त जिल्द पर ये निशान कर देता है, ये वाला निशान, ये देखें, इससे भी पानी निकलेगा, ये पानी खराब पानी होता है, ये देखें, ये देखें, इधर भी आपको बहुत सारे आम नजर आएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये वाला कुंडा होता है, इससे ये आम तोड़ते हैं, ये जाली होती है, इसमें आम फंस जाते हैं, ये देखें, इससे ये आम को नुकसान नहीं होता, ख़राब नहीं होता। ये भाईजान आपको तोड़ कर दिखाएंगे आम। ये देखें, ये आगे सूरज है, इस वजह से ये का नज़र नहीं आ रहा है। ये ये देखें, ये वाली दस आम ठहरे हैं और इनको भी ये तोड़ेंगे। माशाल्लाह ये काफी बड़ा बाग है, इसके साथ इन्होंने ये डबल फार्मिंग की हुई है, और यहाँ पर इन्होंने अनार भी उगाए हुए हैं। ये देखें,
माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में मौजूद है यहाँ पर। ये देखें, फिर जब ये आमों की मौसम ख़त्म होगी तब ये अनारों को शुरू करेंगे तोड़ना, अनार जब पक जाएंगे। ये देखें, ये आम बचे हुए हैं और ये फिर तोड़ेंगे। ऊपर मजदूर चढ़े हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहे हैं। काफ़ी मुश्किल काम होता है लेकिन इन्हें करना तो होता है। टूट भी सकती है एक टहनी, एहतियात से काम करना होता है यहाँ पर। ये देखिए वर्ष, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम गिरे हुए हैं। ये भाईजान गाइड कर रहे हैं उनको नीचे से कि कहाँ पर आम ठहरा हुआ है और वो उनको तोड़ लेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ बच भी जाते हैं, वो परिंदों का रिज्क होता है। इसके अलावा कुछ चिड़िया भी खा लेती है और गुलहरियाँ वगैरह भी। इन्होंने अपना रिज्क तलाश करना होता है, इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि सारा आम साफ हो जाए, लेकिन कोई ना कोई रहर लाजमी जाता है। ये देखें, ये इनको गाइड कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये नीचे आ गिरा है आम। ये देखें, इंशाल्लाह व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।